अस्सलाम वालेकुम पार्क व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस वीडियो लेके आया हूँ। सो आज हम BYD सील के साथ अपना पहला ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर कर लगे हैं। जब पहली बारी मैं इस पे बैठा था तो ये ट्रांसपोर्ट मोड में थी और रिस्ट्रिक्टेड थी गाड़ी जो है। अगेन इससे पहले हम आप लोग हमारे चैनल के ऊपर BYD एटो 3 जो है उसका फर्स्ट इंप्रेशन देख चुके हैं। उसके अंदर जो मेरा एक ख्याल था गाड़ी को देख के, वो इंटीरियर वाइज तो मैं बहुत एक्साइटेड था लेकिन एक्सटीरियर से नहीं था। लेकिन आज की गाड़ी जो है इससे मैं, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी एंटीसिपेशन से जो है, जब मैंने इनको उनसे लिया है BYD से, तो मैंने एक बड़ी खुशी थी मुझे कि यार मैं इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करूँगा, बड़ा मज़ा आएगा। सो अगर बात की जाए गाड़ी की कैटेगरी की, तो इट्स अ डी सेगमेंट सेडान। और डी सेगमेंट सेडान का मतलब ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे इसको तो सोनाटा से ये थोड़ी सी लेंथ में छोटी है, चौड़ाई में सेम है। दीपाल अभी लॉन्च हुई है उसकी जो L7 जो सेडान है उससे ये गाड़ी बड़ी है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा किस साइज़ की गाड़ी है। सो ये गाड़ी जो है 0 to 100 3.8 सेकंड में करती है। इसका मतलब ये कि बहुत तेज़ गाड़ी है। इट्स डुअल मोटर कार, ऑल व्हील ड्राइव है। इसका जो टॉर्क है वो 670 न्यूटन मीटर टॉर्क है और इसकी जो बैटरी फिगर है वो तकरीबन 82 किलोवाट आवर्स की बैटरी है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक गाड़ी 500 प्लस किलोमीटर करती है। अभी हमने गाड़ी जब ली थी तो ये 99% चार्ज है और 570 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। प्रैक्टिकल रेंज मैं ग्लोबली देख रहा था जो लोगों ने निकाली है वो वेरी करती है 485-490 किलोमीटर, विच इज़ अलॉट। हमारे यहाँ पर लोगों का एक जो स्टैंडर्ड होता है लाहौर इस्लामाबाद एक सिंगल चार्ज में चली जाएगी तो चली जाएगी, बिल्कुल जाएगी। सो ओवरऑल अगर हम इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत लेड आउट इंटीरियर है। आपको यहाँ पे जो लेदर मिलेगा, उसमें स्टिचिंग जो है वो गाड़ी के जो ब्लू कलर है वो थ्रू आउट आपको स्टिचिंग मिलेगी, साथ ग्रे पाइपिंग भी जा रही है। फ्रंट सीट जो है वो बकेट सीट्स है और उनकी कुशनिंग बहुत खूबसूरत है और बहुत, यानी आपको एक कंफर्टेबल जो है ना सीटिंग पोजीशन मिलता है। इसके अलावा डैशबोर्ड के अंदर एल्कंटारा को यूज़ किया गया है, ब्रश एल्युमिनियम को यूज़ किया गया है। स्टेयरिंग व्हील अगेन डी शेप स्टेयरिंग व्हील है जो कि मेरा खरा अक्रॉस द मॉडल जो है वो कॉमन है इनके मेन। इनका एक और जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है, अगेन इसको हमेशा लोग टेस्ला किलर कहते हैं और टेस्ला की जो स्क्रीन थी ना वो बड़ा उसके लिए प्रॉपर्टी समझा जाता था। तो इसकी जो स्क्रीन है वो 15.3 इंचेस की है और अगेन इसके अंदर एक रोटेशनल स्क्रीन है, अगर आप एक बटन दबाएं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये स्क्रीन जो है ये खाली हमारे मुल्क में, जिस तरह लोग कहते हैं ना जेन्युइन टीवी नेविगेशन, सिर्फ वो काम नहीं करती। ये तमाम गाड़ियां जो है वॉइस एक्टिवेटेड है, अगर मैं इनसे बात करना चाहूँ तो ये मेरी बात सुनती भी है, रिस्पॉन्ड भी करती है। बल्कि बहुत से ऐसे काम है जो कि आप बगैर इसको टच किए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप मसरूफ़ हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। सो बेसिकली ये होस्ट ऑफ ऑप्शन है अगर आप देखें तो, आप वॉइस कमांड से क्या क्या कर सकते हैं। आप गाड़ी के शीशे नीचे कर सकते हैं, एयर कंडीशन का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, म्यूज़िक जो प्ले कर रहा है उसको चेंज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जो कि आप उसे कर सकते हैं। वो मेरी बात अब सुनना शुरू होगी। कैन यू सेट द एयर कंडीशन टेम्परेचर टू 18 डिग्री प्लीज? ऑलराइट, द टेम्परेचर इज सेट टू 18 डिग्रीज। सी, सुन लेती है, कभी कभी बात सुन लेती है। अच्छे जी, इसके अलावा इस स्क्रीन के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सारा कुछ मौजूद है। सेंटर में अगर हम आप आ जाएं यहाँ पे तो इसका जो गियर लेवर है वो बड़ा स्टाइलिश है, सर वो उसकी स्टाइल है। मुझे याद है BMW की जो IX सीरीज़ है, i7, उनके अंदर इस तरह के सर वो उसकी, उनमें खैर रियल सर वो उसकी थे। अब इसका मैं थोड़ी रिसर्च करूँगा कि रियल है कि नहीं, बट इसकी जो फील है वो वैसी ही है। इसके साइड पर गियर लेवर के साइड पर स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ पर मोड सिलेक्टर है, इसमें ईको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, ये सारे मोड हैं। अभी मैं इको में चला रहा हूँ, मैं गाड़ी को तमीज़ से चला रहा हूँ। यहाँ पे ये वॉल्यूम और ऑडियो का बटन है, ये पार्किंग का बटन है, हैज़र्ड बटन आ गया, कप होल्डर्स आ गए सेंटर में कंसोल के ऊपर, यहाँ पे आपको NFC निकल नज़र आ रहा होगा। सो NFC इनेबल्ड गाड़ी का मतलब ये कि इस गाड़ी की चाबी ना भी हो, अगर आपके पास NFC कार्ड भी है तो ये गाड़ी जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने फ़ोन के अंदर भी NFC कन्फिगर करके NFC की के तौर पे अपने फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी जगहों पे आगे जा रही है। पुराने ज़माने में हम गाड़ियों की चाबियां ढूंढते रहते थे। अच्छा, इसकी सीट की कुशनिंग एक तो बहुत मज़े की है। आज मेरे बैक में पता नहीं पेन निकला हुआ था ड्यू टू वेदर चेंज और समथिंग, बट अभी मैं इस पर बैठ रहा हूँ तो बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। इसके अलावा इसके अंदर ऑडियो जो है मैं अभी देख रहा था डिगी में, जो है सबवूफर भी लगा हुआ है, यहाँ भी है और काफ़ी ज़्यादा साउंड सिस्टम जो है, ये कंपनी है DY&N ऑडियो, ये जो है ना US बेस्ड कंपनी है मेरा ख्याल है, उसका इन्होंने ऑडियो यूनिट यूज़ किया हुआ है। सीट्स अगली जो है ये हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं। और अगर हम ओवरऑल ड्राइव की बात करें तो बड़ी स्मूथ और बड़ी कंफर्टेबल ड्राइव है। हालांकि 19 इंच के व्हील हैं इस गाड़ी के अंदर और अभी हम जब लेके निकले हैं तो ये तकरीबन 99% थी, अब 98% हो गई है। बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, पैनोरामिक सनरूफ है थ्रू एंड थ्रू, बट आप जो है इसके ऊपर कवर कोई नहीं आता, बट ये जो ग्लास है ये मेरा ख्याल है इसमें मल्टीपल लेयर हैं जिसकी वजह से हीट जो है ना वो अंदर नहीं आने दे रहा। और ये इसके अंदर हम एडास की ऑप्शन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जो इसके अंदर दी गई हैं। फ्रंट कोलिजन है, लेन असिस्ट है, लेन कीप है, एमरजेंसी ब्रेकिंग है, फिर ये आपके सामने रोड साइन जो है वो भी पिक कर रही है, 60 का बता रही है, आई एम गोइंग ऑन 58। फिर यहाँ पे आपका जो सेंट्रल मीटर है, अगेन वो जो आपकी स्क्रीन है
ये भी आपको जैसे कहते हैं ना पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है आपके पास. अभी टायर प्रेशर मॉनिटर आ रहा है, नीचे बैटरी चार्जिंग स्टेट आ रही है, टोटल किलोमीटर्स आ रहे हैं, कंपास भी है आपको, डायरेक्शन बता रहा है आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर बता रहा है, गाड़ी के मोड बता रहा है और काफ़ी चीज़ें गाड़ी बता रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर. और अगर आप इधर आएंगे तो इस होम स्क्रीन के ऊपर आप काफ़ी चीज़ें नेविगेट कर सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं और देर होस्ट ऑफ ऑप्शन दैट यू कैन डू. अगर आपने इसका एसी कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे जाके, इसके मज़े की बात ये कि इस गाड़ी की एसी की ग्रिल जो हैं उनको आप मैनुअली आप हाथ से पंगे नहीं ले सकते, आपने सिर्फ अगर एसी की उसको एडजस्ट करना है आप यहाँ से टच से एडजस्ट करेंगे तो इसका एसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होएगा आपने जहाँ पे भी इसको लेके जाना है. सो दिस इज़ ऑल कंट्रोल थ्रू दिस स्क्रीन, आप मैनुअली इसको कहीं से चेंज नहीं कर सकते. आपने तेज़ करना है आपने इसको तो आप इसको जो है स्मार्ट पे ले जाते हैं, खुद ही ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेगा. एसी हमने इसको डुअल कर लिया, पीछे भी एसी के वेंट मौजूद हैं. अच्छा बीवाईडी की मैंने गाड़ियों में देखा कि दो वायरलेस चार्जर मुझे पहली बार नज़र आए, वरना एक होता है इसमें दो वायरलेस चार्जर हैं और ये मेरा ख्याल है वाहिद वायरलेस चार्जर अभी तक जो मेरी गाड़ी के और जो मेरे फ़ोन के ऊपर काम करता है. बाकी ये दरवाज़ों के अंदर एम्बिएंट लाइट है, नीचे जो है ये भी एम्बिएंट लाइट है और ये म्यूज़िक के साथ चेंज भी होती है. डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है, खासतौर पर इंटीरियर की जो डिज़ाइनिंग है वो तो मुझे बहुत ही मज़े की लगी है. इसके अलावा इसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल है वो मुझे लगता है कि जो हमने एटो 3 का कल फर्स्ट इंप्रेशन किया था उससे बहुत ज़्यादा प्रीमियम का मटेरियल इस्तेमाल किया गया. उसमें थोड़ा प्लास्टिक था, हार्ड प्लास्टिक, इसमें लेदर का ज़्यादा इस्तेमाल है, इसमें अल्कंटारा का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा जो स्टिचिंग है ना ये दरवाज़ों के अंदर ये भी दो कलर में जा रही है, सिल्वर एंड ब्लू दरवाज़ों में, सीटों में, सीटों के अंदर पाइपिंग है. और ये गाड़ी ऐसी आई कैचर, अगर आप दिखा सकें तो पिछली वाली गाड़ी वाले जो हैं वो दोनों कैमरा जो गाड़ी चला रहे हैं और जो पीछे वाले भाई भी हैं वो दोनों इसकी वीडियो बना रहे हैं. सो एक आई कैचर भी है और जनरली इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है. और अभी मैं बड़े तमीज़ प्यार से चला रहा हूँ बिकॉज मैं कोशिश ये करता हूँ कि स्पीड लिमिट ना तोड़ूँ. तो अभी हम 60 की स्पीड जोन पे हैं. एंड अगेन एज आई सेड यस्टरडे आल्सो, मैंने पिछली जो है बीवाईडी जो एटो 3 का जो था फर्स्ट लुक उसमें बता रहा था कि साउंड इंसुलेशन जो है ना इन गाड़ियों की वो कमाल है. एक तो ये गाड़ियाँ क्योंकि इनमें कोई इंजन नहीं है, इनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, तो दूसरा बाहर की भी अगर आप शोर देखें तो कोई शोर बाहर का नहीं आता. इसकी साउंड प्रूफिंग बहुत खूबसूरत की गई है और ये रूफ लाइनर ब्लैक है, मल्टीपल एयर बैग्स हैं, मतलब दिस कार इज़ लोडेड विद ऑप्शन. और मेरा ख्याल है ये गाड़ी जो है ना उस मिथ को अगर गलत प्रूव करना है ना एक जगह तो आप इसको टेस्ला किलर भी कहते हैं और वो चलें फिगर्स के साथ प्रूव हो जाएगा बिकॉज ये बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो सील है दिस इज़ कंपेटिटर फॉर टेस्ला मॉडल 3. और मैंने मॉडल 3 का भी रिव्यू किया है तो मेरा ख्याल है अंदर बैठ के तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मॉडल 3 का बड़ा सीधा सीधा डैशबोर्ड था, मिनिमलिस्टिक था, इवन उन्होंने जो गियर नॉब है वो भी स्क्रीन पे ले गए हैं अब तो नए वाली में, और उसके अंदर कोई ऐसे लिवर शिवर आपको नज़र नहीं आ रहा था. इंडिकेटर भी स्टेयरिंग से था और बड़ा जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सीधा सीधा बोरिंग सा रूखा सा उसका इंटीरियर था. इसका इंटीरियर इज़ फुल ऑफ लाइफ और ये नहीं आपको लगता कि आपको ऐसी चीज़ चला रहे हैं कि जो बड़ा कोई ना मतलब डिफरेंट है. अच्छी वाली गाड़ी हमारे साथ बहुत ज़्यादा चिपक रही है यार, ये जब जाती है ना एक दफ़ा तो फिर आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है बिकॉज विद इन नो टाइम वाकई दिस कार इज़ रियली क्विक. और इसकी जो सस्पेंशन है वो भी बड़े मज़े की है बिकॉज़ अभी बम्पी रोड पे खड्डा आया था तो जो गाड़ी का रिस्पांस है वो बड़ा स्मूथ और सॉफ्ट था, वरना 19 इंच के व्हील के साथ वन वुड एक्सपेक्ट कि गाड़ी जो है ना ज़रा ढक ढक करेगी, बट नहीं बड़ी स्टेबल है और उस लिहाज से बिछी भी गाड़ी है. लेट्स से मैंने ये क्रूज अभी लगा दी है, तो मैंने क्रूज लगा दी है 59-60 पे. ठीक है जी चले हम रिंग रोड पे थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं, 75 पे लगा ली. अब आगे ट्रक आ गया दिखाएं, उसने खुद ब्रेक लगाई है, मैंने कुछ नहीं किया, वो देखें वो डिस्टेंस कर रहा है. यहाँ से मैं डिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ कि कितनी गाड़ियों के डिस्टेंस के ऊपर वो क्रूज़ जो है एक्टिवेट हो, एक गाड़ी का दो गाड़ी का फासले पे. अब वो हट गया आगे से ट्रक, मैंने लेन चेंज किया है तो ये वापस अपनी स्पीड रीगेन करेगा. अब वो दूसरी गाड़ी इंडिकेटर दिए बगैर आ गई है, जब उसको गेन करेगा. अब ये ट्रक आगे आ रहा है, इसने ब्रेक लगा दिया. देखा अभी ब्रेक मुझे थोड़ी सी डेंजरस लगी बिकॉज पीछे हमारी गाड़ी जो आ रही है उसको थोड़ा लगा होगा कि ये ब्रेक क्यों लगाई है, बिकॉज एक अगर आम ह्यूमन चला रहा होता गाड़ी तो वो इसको साइड पे लेके चला जाता, बट क्योंकि आप एडेप्टिव जो है रडार उस पर बेस थे तो वो थोड़ा सा इधर आया तो उसने गेज करके उसको ब्रेक लगा दिया. तो एक्सेलरेशन के बाद भी जो मज़े की बात है ना ये गाड़ी बड़ी बिछी भी चलती है. और एक और चीज़ अगेन जो कि अक्रॉस द वेरियंट्स जो है ना कॉमन है, जो कि इनकी इन टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको सेल टू बॉडी टेक्नोलॉजी कहते हैं, सी टू बी टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोप्राइटरी है इनकी BYD की, एंड दैट्स जो कहते हैं ना कंपेटिटिव एज ओवर द कंपटीशन.
और उसमें होता है कि जो इनकी जो है ना, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो ना कभी, बिकॉज मैंने सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक्सपीरियंस कर ली हैं तकरीबन अभी तक जितनी पाकिस्तान में ही मैंने सब चलाई हैं, आपकी जो बैटरी होती है ना उसका बहुत ज़्यादा बॉडी पे वेट होता है, लैटेंट वेट, और जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना तो आपको फील हो रहा होता है कि आप कोई बहुत हैवी चीज़ चला रहे हैं, खास तौर पर एक्सेलरेशन के बाद जब आपने उसको ब्रेकिंग करनी होती है ना तो आपको फील होता है कि यार आप बहुत बड़ा कोई लोड साथ लेके चल रहे हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो बैटरी पैक है वो काफ़ी ज़्यादा वेट है, वो गाड़ी के ऊपर एक जगह पर पड़ा होता है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इन केस ऑफ BYD जो इनकी सेल टू बॉडी है ना, इसमें होता ये है कि रेजर टाइप इन्होंने ना ब्लेड टाइप बैटरी बनाई हुई है जो कि डिफरेंट जगह पे आपकी बॉडी के अंदर ही उसको इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, और वो डिवाइडेड है वेट टूवर्ड पूरी गाड़ी की। अगर आप बेड पे देखें तो हम जब इनके फंक्शन पे गए थे तो बल्कि हम साथ वीडियो लगा देंगे, तो उन्होंने उस पर दिखाया था कि आपका C2B जो है सेल जो है वो बॉडी के साथ जो लगे सेल टू बॉडी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें रेजर टाइप वो उन्होंने ना लगाई हुई है बैटरी को डिवाइड करके, तो वो कैसे वर्क करता है। और उसकी प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकता हूँ इस गाड़ी को चलाने के बाद कि जितनी स्टेबल चल रही है और ब्रेकिंग वक्त आपको ये नहीं लगता ना कि आप किसी बोझ को साथ लेके चल रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है दैट इज़ ड्यू टू द टेक्नोलॉजी जो CTB है इनकी। सो ये तो हो गया इस गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बतानी थी। अब जो इसका प्रोप्राइटरी क्लेम है 0 to 100 वाला, हम उसको भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि 0 to 100 ये गाड़ी कितने में करती है। सो हम लोगों ने इसका 0 to 100 भी चेक कर लिया और 3.8 सेकंड कंपनी का क्लेम था, हमारा जो है वो 3.81 आया। ऑब्वियसली रोड कंडीशन थोड़ी फ़र्क होती है बट इट्स वेरी इंप्रेसिव। और ना सिर्फ ये कि इसका जो है 0 to 100 चेक किया, हम लोगों ने ब्रेक टेस्ट भी किया और ब्रेक भी बड़ी इफेक्टिव है। मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कि इफेक्टिव होने की रीज़न क्या है। अगली सीट तो खैर बड़ी जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पेस है, मैंने अगली सीट को फुल पीछे कर दिया और ये देखें इससे ज़्यादा पीछे की ऑप्शन नहीं, हालांकि मेरा टांग यहाँ नहीं पहुँच रही, अगर मैंने अपने लिहाज से करना हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन। मैं पीछे से आपको बैठ के दिखाता हूँ कि पीछे वाली जगह कैसी है। सो इसमें अगर हम देखें तो ये देखें अभी मैं पीछे बैठा हूँ और पीछे कितनी ज़्यादा जगह है। सिर्फ एक इशू है कि अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल करना हो तो यहाँ पे नी में शायद आपके नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे थाइज़ के ऊपर शायद दर्द शुरू हो जाए बिकॉज ये सपोर्ट यहाँ से आगे नहीं है, तो अगर आप यूँ टेंशन होकर बैठेंगे तो आपकी थाइज़ सही है, लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर बैठेंगे तो इसमें ये एक्सटेंडेड थाय नहीं है जो कि अगले आपके पास ड्राइविंग सीट में है। एम्बिएंट लाइट जो है आपके अगले दरवाजे में थी, पीछे पे भी है और ये म्यूज़िक के साथ चेंज भी होती है, इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। हेडरूम जो है वो भी कंसिडरेबल है, अगर आप यहाँ से एंट्री एग्जिट करना चाह रहे हैं तो आराम से है। और पीछे से मेरा ख्याल था कि क्लास्ट्रोफोबो को शायद नहीं है, इसकी शेप ऐसी है कि अनलेस अंटिल यू 6'3" तब तक तो आप ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो शायद ये जो गर्म शीशा ही आपको टच करे, तो 6'2" 3" से ऊपर वाले लोगों के लिए पिछली वाली सीट जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है। लोकल में तो बड़े आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं और लॉन्ग पे 2 लोग तो बड़े सुकून से बैठ के जा सकते हैं। पिछला जो फ्लोर है ये भी फ्लैट है। अब हम बाहर से चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक्सटीरियर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो ओवरऑल अगर एक्सटीरियर की बात करें तो पहले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती थी ना तो आप उनकी शेप को देखते तो आपको ऐसे लगता था कि उसके अंदर कोई कमी है या बड़ी ना, जिस तरह मैंने एक दो रिव्यूज़ में वर्ड भी यूज़ किया मनहूस कार, बड़ी मनहूस लगती थी उनकी जाली, उनका फ्रंट आपको लगता था कि वो बड़ी अगली है। बट दिस कार डिज़ाइन थैंक्स टू द डिज़ाइनर, आई थिंक द सेम डिज़ाइनर हु डिज़ाइन ऑडी, ये ऑडी के डिज़ाइनर है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, तो इसके डिज़ाइन से आपको कहीं ऐसे नहीं लगता कि ये गाड़ी किसी आम गाड़ी जो गैसोलीन गाड़ी उससे कम है, और आप इसको देख के वैसे ही नहीं बता सकते कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बहुत खूबसूरत शेप है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कई ऐसी गाड़ियाँ थी इलेक्ट्रिक जो कि देखने में बड़ी अजीब सी लगती थी, अपने उन्होंने फ्यूचरिस्टिक बनाने के चक्कर में उसको अजीब भद्दी सी शेप दी थी, बहुत ही खूबसूरत शेप है। इसमें LEDs हैं, ये आपके पास DRL है, और ये नीचे अगर देखा जाए तो जिस तरह इस गाड़ी का नाम सील है, सील की जो मूछें टाइप होती हैं उस टाइप की इसके DRL जो है ना वो एक शेप देते हैं। नीचे एक डिफ्यूज़र है, नीचे आगे फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है, एंड इस गाड़ी की जो स्पीड है 3.8 सेकंड 0 to 100 उसके लिए मेरा ख्याल है डिफ्यूज़र होना ज़रूरी है। साइड पे अगर आ जाएँ तो इसकी जो व्हील्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, और व्हील्स जो हैं वो आपको बता देते हैं कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है बिकॉज इसके अंदर एक कवर लगे होते हैं। व्हील्स 19 इंच के हैं, उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर है। साइड पे आ जाएँ तो BYD डिज़ाइन का ये एक फिन बना हुआ है, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो अगेन जिस तरह सील की स्किन के ऊपर जो है ना मार्क्स होते हैं ये उसके डिज़ाइन दिया गया है। डोर एंट्री के जो हैंडल्स हैं ये कंसील्ड हैं, जब आप इसको बंद कर लेते हैं तो उसके बाद ये छुप जाते हैं। यहाँ पे आपका 360 कैमरा नज़र आ जाएगा, LED इंडिकेटर है। सो साइड पे अगर आप आ जाएँ तो एक बड़ी करेक्टर लाइन है यहाँ से आपको खास नज़र आएगी जो कि पीछे आके डिप कर जाती है और गाड़ी के पिछले फेंडर के अंदर जम हो जाती है। सो उसकी जो पूरी शेप है उसको बड़ा आला व्यू देती है। पीछे अगर हम आ जाएँ तो गाड़ी की जो रियल लाइट है वो बहुत खूबसूरत है, एक LED स्ट्रेट चलती है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चलती है, उसके अलावा डॉटेड LEDs हैं। ये इसका रियर कैमरा आ गया, पार्किंग सेंसर्स आ गए, और इस बटन से आप इसकी ऑटो बूट को खोल लेते हैं। ऑटो बूट बड़े तहमुल और आराम से खुलता है। इसके अंदर इस टाइम गाड़ी के 2 चार्जर पड़े हुए जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि इसने स्पेस बहुत ज़्यादा ली हुई है। सो एक ये चार्जर है, एक ये पोर्टेबल चार्जर है, इसको अगर आप आगे कर दें तो ओवरऑल जो स्पेस है वो 400 लीटर के करीब है। ये डिवाइन ऑडियो मैंने आपको बताया था, इसका जो ऑडियो सिस्टम है उसमें साथ एक एक्स्ट्रा वूफर भी लगा हुआ है।
यहाँ पे नीचे आपके और स्टोरेज स्पेस है, इसके नीचे आपकी टायर जो है किट है, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मौजूद नहीं होती। इसके अलावा बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसके ट्रंक के अलावा एक फ्रंक है सामने फ्रंट में, उसमें भी तकरीबन आप 50 लीटर की स्टोरेज कर सकते हैं। सो ये इसके चार्जिंग डॉक है और जिसके अंदर डीसी चार्जर के अगर आप लगाएं इसको तो 0 to 80 ये 35 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। एक मज़े की बात ये है BYD के अंदर, अगेन जैसा मैंने बताया था कि ये गाड़ी मिथ्स ब्रेक कर रही है, ये गाड़ी थोड़ा बहुत डिसरप्शन और भी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ डिसरप्शन ला रही हैं, बट इसमें वन स्टेप अहेड वाली स्टोरी है। तो ना सिर्फ ये गाड़ी खुद चार्ज हो सकती है बल्कि आप इससे पावर आउटलेट लेके डिफरेंट अपनी दूसरी डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। कोई भी आपने इलेक्ट्रिक डिवाइस चलानी है तो ये गाड़ी पावर का सोर्स भी बन सकती है और आपकी दूसरी चीज़ों को चला सकती है। सो ये था एक ओवरऑल मेरा ख्याल है मेरा सेकंड इंट्रैक्शन विद BYD सील। पहले इंट्रैक्शन में मैंने आप लोगों को जनरली कंपनी के बारे में बताया था और आज हमने कोशिश ये की है कि मैं इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आप लोगों से शेयर करूं। दो तीन चीज़ें जो इसका लॉन्ग टर्म में पता लगेगा और पाकिस्तान में इस गाड़ी का फ्यूचर को डिफाइन भी करेंगी। एक तो जो क्लेम्ड रेंज है वो सर्दियों में कितना उसके ऊपर कायम रहती है गाड़ी, और टोटल चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, थर्डली गाड़ी की प्राइस क्या आती है। तो ये तीनों फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में इस गाड़ी के फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिस मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदर्मा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।